हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू TSN 12th क्लास. दिस इज़ अवर लास्ट चैप्टर ऑफ टर्म टू, ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर थर्ड वीडियो है और उसके अंदर हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट कितनी तरह के होते हैं. ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया है, उसके अंदर फर्स्ट हमने रोड स्टार्ट किया है. रोड के अंदर हाईवे कर लिया हमने कंप्लीट. आज हम करेंगे बॉर्डर रोड. व्हाट इज़ बॉर्डर रोड? जो कंट्री का जो बाउंड्री लाइन होती है वो किससे कनेक्ट होती है, उस पर कौन कौन सी रोड बनी हुई है, दीज आर कॉल्ड बॉर्डर रोड्स. रोड्स लीड अलॉन्ग इंटरनेशनल बाउंड्रीज आर कॉल्ड बॉर्डर रोड. अंडरलाइन कर लीजिए इसको. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेटिंग पीपल्स इन रिमोट एरियाज विथ मेजर सिटीज एंड प्रोवाइड डिफेंस. यहाँ पर मेन चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट रोल क्यों अदा करती हैं देश में, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों को रोका जाता है आने और जाने से दूसरी कंट्रीज़ में और सिटीज़ के अंदर, और डिफेंस के हिसाब से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोड है. ऑलमोस्ट ऑल द All countries have such roads of transport goods to border villages to military camps. अधिकतर जगह पर भी ये completely border roads village और military camp के रूप में ही बनाई जाती है. Next आता है हमारा railways. Roadways complete हो गया हमारा, अब railways में. Railways are a mode of land transport for bulky goods. आपको पता है बहुत ज़्यादा भारी goods ले जाने के लिए and passenger over long distance, बहुत लंबी जगह पर जाने के लिए और passenger को ले जाने के लिए रेलवे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल बनाता है. द रेलवे गॉज वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज एंड आर रफली क्लासीफाइड इन बोर्ड. ये तीन तरह की होती हैं. एक तो होती है ब्रॉडगेज होती है, एक स्टैंडर्ड होती है और एक मीटर गेज होती है. इसे हम ब्रॉडगेज के अंदर मोर देन 1.5 मीटर्स तक की लाइंस होती है. स्टैंडर्ड में 1.44 मीटर्स की लाइन होती है, और जबकि गॉज में होती है 1 मीटर तक की, स्मॉल गॉज कहलाती हैं. द स्टैंडर्ड गॉज इन यूके इन यूज इन द यूके. जो स्टैंडर्ड वाला है 1.44 वाला, यूके के अंदर सिर्फ वही यूज़ किया जाता है. कंप्यूटर ट्रेन्स आर वेरी पॉपुलर इन यूके. यूके के अंदर जिसे हम मेट्रो ट्रेन भी कहते हैं, यूके में, यूएसए में, जापान में एंड इंडिया में बहुत ज़्यादा चलने लगी है. दीज कैरी मिलियंस ऑफ पैसेंजर डेली टू एंड फ्रो इन द सिटी. आपको पता है ये ट्रेन्स बहुत ज़्यादा पैसेंजर को एक साथ एक ही मात्रा में ले जाती हैं. बहुत दीज आर अबाउट 13 लाख किलोमीटर ऑफ रेलवे ओपन टू ट्रैफिक इन द वर्ल्ड. आगे, यूरोप हैज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड. अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे ज्यादा डेंसली नेटवर्क रेल का यूरोप के अंदर है. सो दीज आर अबाउट 440000 किलोमीटर टू रेलवे. 440,000 किलोमीटर रेलवे लाइंस वहाँ पर बिछी हुई है. मोस्ट ऑफ दीज इज डबल और मल्टीपल ट्रैक. यहाँ पर डबल ट्रेन्स भी चलती है, मल्टीपल ट्रैक्स भी बहुत सारे हैं. बेल्जियम हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ किलोमीटर. अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट, बेल्जियम है जो कि यूरोप के अंदर वॉज द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे ऑफ एवरी 6.5 किलोमीटर्स एरिया में. हर में 1 किलोमीटर का रेलवे स्टेशन बनाया गया है. द इंडस्ट्रियल रीजन एक्सिबिटेड सम ऑफ द हाइएस्ट डेंसिटी इन द वर्ल्ड. जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो भी यहीं पर बरसे हैं. द इम्पॉर्टेंट रेल हेड आर लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलेंस, बर्लिन, वर्सोवा. ये यहाँ पर मेन रेलवे इंडस्ट्रीज के रूप में बसा हुआ है. पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्लाइट इन मैनी ऑफ दीज कंट्रीज. अंडरग्राउंड रेलवे आर इम्पॉर्टेंट इन लंदन एंड पेरिस. लंदन एंड पेरिस के अंदर अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन भी हैं. चेन्नई टनल, कैनल टनल ऑपरेट बाय यूरो टनल ग्रुप्स थ्रू इंग्लैंड कनेक्टेड लंदन टू पेरिस. आपको पता है अंडरग्राउंड टू अंडरग्राउंड लंदन से पेरिस तक एक रेलवे लाइन है, जिसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन्स हैव नाउ लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस टू क्यूकर एंड मोर फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ एयरवेज एंड रोडवेज. अब अलग अलग कंट्रीज़ में कौन कौन सी, स्टूडेंट, एक रेलवे लाइन आपके मैप में ज़रूर आएगी. सो आप उन्हें ये अंडरलाइन कर लीजिए कौन सी कंट्री से कौन सी कंट्री तक चल रही है वो. इन रशिया रेलवे अकाउंट्स ऑफ अबाउट 90% ऑफ द कंट्री टोटल ट्रांसपोर्ट विथ अ वेरी डेंस नेटवर्क. वेस्ट
टू द यूरल। आपको पता है पूरा वेस्ट से यूरोप तक, यूरोप यूरल पर्वत तक जो फैला हुआ है वो सबसे ज़्यादा 90% रेलवे से ही काम होता है। मास्को इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेल हेड विथ मेजर लाइन्स रिलेटिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मास्को जो है वहाँ से स्टार्ट होती है रेलवे लाइन, जो कि सबसे ज़्यादा कंट्री का वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया है वो वहाँ पर रेलवे लाइन्स का बहुत ही ग्रुप काउंट है। अंडरग्राउंड रेलवे एंड कंप्यूटर ट्रेन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन मास्को। मास्को के अंदर अंडरग्राउंड रेलवे लाइन भी बहुत ही ज़्यादा है। नॉर्थ अमेरिका हैज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रेल नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द नियरली 40% ऑफ द वर्ल्ड ऑफ टोटल। सबसे ज़्यादा महंगा नेटवर्क रेल का नॉर्थ अमेरिका में है। इन कॉन्ट्रेस्ट ऑफ मैनी यूरोपियन कंट्रीज द रेलवेज आर यूज मोर एंड लॉन्ग डिस्टेंस बल्की फाइट लाइक ऑर्स गेंस टिम्बर मशीनरी देन ऑफ पैसेंजर। ये सारी चीज़ें ले जाने का काम अधिकतर ट्रेनों से किया जाता है। द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इन फाउंड इन हाईली इंडस्ट्रियलाइज एंड अर्बनाइज रीजन ऑफ ईस्ट सेंटर USA, जो USA का ईस्ट पार्ट है वहाँ से लेके एडजॉइनिंग कैनेडा तक का पार्ट बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे डेंसली पॉपुलेटेड है और डेंसली नेटवर्क है रेल का। कैनेडा रेलवेज आर इन द पब्लिक सेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर सेपरेटली पॉपुलेशन एरिया। ये पब्लिक मतलब कि सरकार के अंडर में है। द ट्रांस कनेक्शन कनेक्टेड रेलवे कैरीज द बल्क ऑफ वीट एंड कोल यहाँ से ले जाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ अबाउट 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है ऑन विच 25% अराउंड न्यू साउथ वेल्स अलॉन्ग द वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे लाइंस रन अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम पर्थ से लेके सिडनी तक का जो रेलवे स्टेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड रेलवेज आर मेनली इन नॉर्थ आइलैंड एंड टू सर्व द फार्मिंग एरियाज। जो न्यूजीलैंड है वो वहाँ का जो रेलवे एरियाज है वो फार्मिंग एरियाज तक कवर करता है। इन साउथ अमेरिका द रेल नेटवर्क इज द मोस्ट डेंस इन टू रीजन्स। साउथ अमेरिका में दो रीजन्स तक फैला हुआ है, एक तो पंपास तक और एक अर्जेंटीना तक एंड द कॉफी ग्रोइंग रीजन ऑफ ब्राजील विथ टुगेदर अकाउंट ऑफ 40% साउथ अमेरिका टोटल रूट लेंथ। सो टोटल साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील में सबसे ज़्यादा कॉफी कॉफी उगाती हैं, तो वो एरिया है जो कि डेंस पॉपुलेटेड है कैसे रेलवे लाइन से। ओनली चिली अमॉन्ग द रिमेनिंग कंट्रीज हैज़ ए कंसिडरेबल रूट लेंथ लिंकिंग कोस्टल सेंटर्स। जो कोस्टल एरियाज को चिली ने कवर कर रखा है विद द माइनिंग साइट ऑफ द इंटीरियर। पेरू बोलिविया इक्वेटर कोलंबिया वेनेजुएला हैव शॉर्ट सिंगल ट्रैक, वहाँ पर सिंगल ट्रैक लाइन्स है जो कि पोर्ट तक लेके जाती है, इंटीरियर से कनेक्ट करती है लिंक को। देयर इज़ ओनली वन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे रूट लिंक ब्रूनेस एरिया से अर्जेंटीना से लेके चिली तक जो है वो रूट कौन सा रूट कनेक्ट कर रहा है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे रूट। अंडरलाइन कर लीजिए, ये रूट हमेशा मैप में आता है स्टूडेंट, इसे कनेक्ट कर लीजिए आप। सो हाईली एरिया है यहाँ पे, जबकि एशिया के अंदर जो रेलवे नेटवर्क इज़ द मोस्ट डेंस इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया। जापान चाइना इंडिया में बहुत सारा रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है। अदर कंट्रीज़ हैव रिलेटिव फ्यू रेल रूट। वेस्ट एशिया इज़ द लीस्ट डेवलप्ड इन रेल। वेस्ट एशिया में सबसे कम है क्योंकि वहाँ पर अक्सर हमारे यहाँ पर क्या आ गया है, जो रेगिस्तान रीजन आ गया है जिसे हम कह सकते हैं कि वो डेजर्ट एरिया कहलाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट डिस्पाइट बींग द सेकेंड लार्जेस्ट हैज़ ओनली 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे विद साउथ अफ्रीका अलॉन्ग अकाउंटिंग ऑफ 18,000 किलोमीटर ड्यू टू द कनेक्शन ऑफ गोल्ड डायमंड कॉपर माइनिंग एक्टिविटीज़। साउथ अमेरिका में ये तीन चीज़ों के लिए मेन रेलवे लाइन को बनाया गया है। द इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ कॉन्टिनेंट आर कौन कौन से रूट हैं, एक तो बेंगवे रेलवे है और एक है तंजानिया रेलवे लाइन
जो कि कॉपर बेल्ट तक जाता है, एक होता है, एक है बोस्तवाना से जिम्बाब्वे तक का लिंक, द लैंड लॉक द स्टेट ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ पर ये सारी है। इसके अलावा द ब्लू ट्रेन फ्रॉम केपटाउन से लेके पेट्रिया तक है, जो कि रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका को जोड़ती है। एल्सवेयर एज अल्जीरिया, सिंगल, नाइजीरिया, केन्या, इथोपिया, रेलवे लाइन्स कनेक्टेड पोर्ट स्टेट, ये पोर्ट स्टेट को जोड़ती है। अब आता है स्टूडेंट, इसके अंदर जो ट्रांस कॉन्टिनेंट, ट्रांस साइबेरियन, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैप के थ्रू कंप्लीट करवाऊंगी। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।